फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीकर एमनी के बारे में, लीकर एमनी जिसको एमनियोटिक फ्लूड भी कहते हैं। तो जानते हैं लीकर एमनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पेल स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड इन विच द फीटस फ्लोट, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वो पेल स्ट्रॉ कलर का होता है, जिसमें जो फीटस होता है वो फ्लोट करता है, मीन्स वो तैरता है, इसी को हम बोलते हैं लीकर एमनी या फिर एमनियोटिक फ्लूड। नेक्स्ट देखेंगे क्वांटिटी ऑफ फ्लूड, जो भी लीकर एमनी होती है या फिर एमनियोटिक फ्लूड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है 500 से लेके 1500 ml तक होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो लीकर एमनी होती है उसमें कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीकर एमनी में जो वाटर है वो 99% पाया जाता है, और डिजर्व सॉलिड मैटर जो होता है वो 1% पाया जाता है। जो डिजर्व सॉलिड मैटर होता है 1%, उसी में प्रोटीन 0.3 ग्राम, साथ ही ग्लूकोज 20 मिलीग्राम पाया जाता है, यूरिया 30 मिलीग्राम पाया जाता है, और जो यूरिक एसिड है वो 4 मिलीग्राम पाया जाता है, एंड क्रिएटिनिन 2 मिलीग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीकर एमनी, जो लीकर एमनी होती है उसे फंक्शन क्या होते हैं। देखिए लीकर एमनी के फंक्शन को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो लीकर एमनी है वो क्या क्या फंक्शन करती है, साथ ही जब लेबर होता है तो उस समय लीकर एमनी का क्या क्या रोल होता है। तो पहले हम देखेंगे इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान लीकर एमनी का क्या फंक्शन है। तो इसमें जो पहला फंक्शन है, अलाउ फॉर ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, जो फीटस होता है उसको जो लीकर एमनी होती है वो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है, साथ ही उसके ग्रोथ में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्ट द फीटस, मतलब जो फीटस है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही जो थर्ड पॉइंट है शॉक एब्जॉर्बर, लीकर एमनी जो होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का रोल भी प्ले करता है। नेक्स्ट है मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ फीटस, जो फीटस है इंट्रायूटराइन कैविटी में जो फीटस है मदर के ओम में, उसको जो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको भी लीकर एमनी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट प्रेशर ऑन कार्ड, जो कार्ड पे किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े, जो अम्लाइकल कार्ड होती है उसको किसी भी प्रकार के प्रेशर से बचाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉम अडहेशन ऑफ द एमनियन लेयर, जो एमनियन लेयर होती है उसके अडहेशन होने से भी ये उसको प्रिवेंट करता है, मतलब जो एमनियन लेयर होगी वो एक जगह इकट्ठा ना हो, इससे भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो एमनियोटिक फ्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीकर एमनी इन लेबर, इसके पहले हमने देखा था इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो लीकर एमनी होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि लेबर के समय जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है इक्वलाइज यूट्राइन प्रेशर, जब लेबर स्टार्ट होता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो उस समय जो प्रेशर पड़ता है यूट्राइन यूट्रस पे या यूट्राइन जो कैविटी होती है उस पे जो प्रेशर पड़ता है उसको एमनियोटिक फ्लूड इक्वलाइज, मतलब एक समानांतर करता है, चारों तरफ बराबर प्रेशर पड़ता है, एमनियोटिक फ्लूड इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद द प्लासेंटल सर्कुलेशन, जो भी प्लासेंटल सर्कुलेशन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो, इससे भी एमनियोटिक फ्लूड होता है वो प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ड्यूरिंग लेबर जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है उसमें भी एमनियोटिक फ्लूड हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट फ्लशेस फ्रॉम द बर्थ कैनाल एंड
एक्ट एज एसेप्टिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। देखिए, जब लीवर का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है तो उस समय रप्चर अप मेम्ब्रेन होता है और उसी समय जो एमनोटिक फ्लूड होता है वो एमनोटिक सैक टीयर होता है, और एमनोटिक फ्लूड जो होता है वो बर्थ कैनाल के थ्रू एक फ्लश के साथ बाहर आता है, सर्विस के थ्रू बाय वजाइना वो बाहर आता है। जैसे बाहर आता है तो जो बर्थ कैनाल होती है जहाँ से बेबी का एक्सपल्सन होना रहता है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाती है। वॉश आउट हो जाती है तो जो एमनोटिक फ्लूड होता है वो वहाँ पे एसेप्टिक एंड बैक्टीरियोसाइडल का भी काम करता है। मींस जैसे ही वो बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आता है और बर्थ कैनाल बिल्कुल क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द फीटस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान जो फीटस का एक्सपल्सन हो, जिस फीटस का एक्सपल्सन होना है उसके लिए वो एक सेफ जो वे है वो प्रोवाइड करती है, साथ ही जो फीटस होता है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है और जो फीटस होता है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ लीकर एमनी, मतलब जो लीकर एमनी होती है उस लीकर एमनी होता है उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी पाई जाती हैं। तो इसमें जो पहली एबनॉर्मलिटी है उसको मेडिकली टर्म दिया गया है पॉली हाइड्रामनियास, पॉली हाइड्रामनियास। देखिए यहाँ पे अगर समझना है तो उसको हम सिंपली तोड़ के समझ सकते हैं। देखिए पॉली मीन्स होता है एक्सेसिव, मतलब ज़्यादा, हाइड्रा से तात्पर्य होता है वाटर, एंड एमनियोस जो होता है वो इंडिकेट करता है एमनियोटिक फ्लूड को, एमनियोटिक फ्लूड कहें या फिर लीकर एमनी कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे सिंपली ये पता चल गया कि जो पॉलीहाइड्रामनियास है वो उसमें जो वाटर होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। हमने बताया था कि जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड होता है वो 500 ml से लेके 1500 ml तक होता है, लेकिन जब पॉलीहाइड्रामनियास की कंडीशन आती है तो उस समय जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वो 1500 ml से एबव हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोनियास, पॉलीहाइड्रोनियास। पॉलीहाइड्रोनियास किन किन कंडीशन में होता है उसके बारे में हम देखेंगे, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, कॉजेज देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कॉज इंक्लूड किया गया है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मैटरनल डायबिटीज मेलिटस। थर्ड है फीटल एनीमिया। जो पॉलीहाइड्रामनियास है ये मेनली ये थ्री कॉज होते हैं जिनकी वजह से पॉलीहाइड्रामनियास की कंडीशन हो सकती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, सेकेंड पॉइंट जो इंक्लूड किया गया है मैटरनल डायबिटीज मेलिटस, एंड थर्ड पॉइंट है फीटल एनीमिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम के बारे में कि जो पॉलीहाइड्रामनियास होता है उसमें क्या क्या हमको लक्षण दिखाई देंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि जो मदर है उसको पॉलीहाइड्रामनियास की कंडीशन उसमें दिख रही है। तो इसमें मेनली होगा, मेनली जो सिम्टम दिखेगा वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट होगा यूटराइन डिसकंफर्ट। थर्ड होगा स्वेलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। एंड एब्डोमिनल वॉल। फोर्थ पॉइंट होगा माल पोजीशन।
फोर सिम्टम है जो हमको पॉलीहाइड्रोमनास में दिखाई देते हैं, मीन्स जो मदर होगी उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, साथ ही उसको यूट्राइन डिस्कम्फर्ट फील होगा, और उसकी जो एक्सट्रीमिटी है मीन्स जो लोअर एक्सट्रीमिटी है मतलब पैर है, टोज है, सोल है, वहाँ पे उसको स्वेलिंग होगी, साथ ही उसको जो एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पे भी स्वेलिंग दिखाई देगी। एंड नेक्स्ट होगा माल पोजीशन, माल पोजीशन ऑफ द फीटस, मतलब जो फीटस होगा उसकी जो नॉर्मल पोजीशनिंग होती है सिफेलिक पोजीशन, उसके अलावा उसकी पोजीशनिंग चेंज होगी। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू पॉलीहाइड्रोमनास। जो पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन हमने अभी पढ़ी एबनॉर्मलिटी में, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके बारे में देखेंगे। इसमें देखिए हो सकता जो कॉम्प्लिकेशन में है उसमें फर्स्ट पॉइंट में भी हो सकता है इनमेच्योर बर्थ, मीन्स जो बेबी होता है वो इनमेच्योर उसका बर्थ हो जाए, क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एमनोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, एब्डोमेन जो होगा वो भी बड़ा दिखाई देगा, तो जो डिलीवरी है वो समय से पहले भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो एमनोटिक फ्लूड है वो जैसे फर्स्ट स्टेज जब लेबर का शुरू होता है उस समय जो मेम्ब्रेन होती है उसका रप्चर होता है, लेकिन मे बी कि जब पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन होती है तो उस समय जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होना है वो प्रीमेच्योर मतलब पहले हो सकती है, अपने मेच्योरेशन से पहले उसका रप्चर हो जाए, उसी को हम बोलते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जो कॉम्प्लिकेशन है कार्ड कोलैप्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट सीएस के कॉम्प्लिकेशन है पॉलीहाइड्रोमनास के। सेकंड है ओलिगोहाइड्रोमनास। देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था पॉलीहाइड्रोमनास, अब हम पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोमनास। ओलिगो मीन्स होता है किसी भी चीज की कमी, मतलब किसी भी चीज़ में कमी होना, डिक्रीज होना, एंड हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। एंड नेक्स्ट एमनियोस, एमनियोस का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूड। तो यहाँ पे सिंपली जो ये मेडिकल टर्म दिया गया है ओलिगोहाइड्रोमनास, इसी से हमने डिफाइन कर लिया कि जो भी एमनोटिक फ्लूड होता है मतलब जो वाटर होता है उसमें कमी आना ही ओलिगोहाइड्रोमनास कहलाता है, मतलब एमनोटिक फ्लूड का कम होना। नॉर्मल जो एमनोटिक फ्लूड होता है वो 500 ml से लेके 1500 ml होता है, लेकिन जब ओलिगोहाइड्रोमनास की कंडीशन आती है तो उस समय जो एमनोटिक फ्लूड होता है वो 300 ml से भी कम होता है, इसी को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनास। नॉर्मल जो इसका लेवल है वो 500 ml है, लेकिन यहाँ पे 300 ml है, 300 ml या फिर इससे कम, इसको हम बोलेंगे अगर 500 ml से भी कम है तो वो भी ओलिगोहाइड्रोमनास की कंडीशन ही आएगी, लेकिन अगर 300 ml यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है तो इससे आप इजली समझ जाइए कि 500 ml से अगर कम है एमनोटिक फ्लूड तो इसका मतलब है कि ओलिगोहाइड्रोमनास की कंडीशन है। और इसका जो कॉज होगा, देखिए अभी तक इसका कॉज जो है वो इडियोपैथिक में, मतलब इसका जो कॉज है अभी तक पता नहीं हो पाया है, तो इसको हम इडियोपैथिक में रखेंगे। नेक्स्ट इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब अगर ओलिगोहाइड्रोमनास की कंडीशन है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कि इसमें बर्थ डिफेक्ट हो सकता है इन फीटस, जो फीटस होगा उसमें बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, साथ ही प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है एंड मिसकैरेज हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है स्टील बर्थ,
स्टील बर्थ किसे कहते हैं? देखिए, जब जो प्रेगनेंसी होती है वो 28 वीक के बाद जो बेबी होता है वो सर्वाइव करने लायक हो जाता है। अगर 28 वीक के पहले अगर जो बेबी है, फीटस है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम एबॉर्शन में लेते हैं, लेकिन अगर 28 वीक के बाद अगर किसी फीटस की डेथ होती है तो उसको हम स्टील बर्थ में रखते हैं। मीन्स 28 वीक के बाद जो बेबी होता है, फीटस होता है, अगर उसका यूट्रस में ही डेथ हो जाता है तो उसको हम स्टील बर्थ में रखते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सिजेरियन सेक्शन। ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन हमने आपको बताए ये ओलिगोहाइड्रोमिनास में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ लीकर एमनी अकॉर्डिंग टू कलर। अभी तक जो हमने एबनॉर्मलिटी पढ़ी लीकर एमनी की उसमें हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोमिनास एंड ओलिगोहाइड्रोमिनास, लेकिन अब जो एबनॉर्मलिटी हम पढ़ेंगे लीकर एमनी से रिलेटेड वो डिपेंड होगी कलर पे। जो एमनॉटिक फ्लूड होता है उसके कलर के अकॉर्डिंग हम उसकी एबनॉर्मलिटी को देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी हम देखेंगे उसमें होगा येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूड है अगर उसका कलर येलो है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा जो येलो कलर एमनियोटिक फ्लूड होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एक डिजीज की कंडीशन है जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज। हीमोलाइटिक डिजीज जो है ये एक टाइप है फीटस एनीमिया का। फीटस की रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, रिजल्ट इन मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो मदर होती है उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से जो फीटस की आरबीसी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसको एनीमिया होता है। और जो ये फीटस एनीमिया होता है ये एक तरह की डिजीज है जिसको यहाँ पे मेडिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का नाम दिया गया है। अगर जो एमनियोटिक फ्लूड है वो येलो कलर का आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि जो फीटस है उसको एनीमिक डिजीज है, साथ ही उसको चांसेस होते हैं कि जॉइंटिस होने के, उसको चांसेस होते हैं कि जब भी बेबी का बर्थ होगा वो जॉइंटिस से ग्रसित होगा। नेक्स्ट जो कलर है एमनियोटिक फ्लूड का वो है ग्रीन कलर। मीन्स अगर जो एमनियोटिक फ्लूड है वो ग्रीन कलर का है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? देखिए, अगर एमनियोटिक फ्लूड ग्रीन कलर का है तो इंडिकेट करेगा कि जो बेबी है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बेबी की पोजिशनिंग होती है वो जस्ट उल्टा होती है। मींस जो बेबी का हेड होगा वो ऊपर होगा और जो बटक्स वाला पार्ट होगा वो नीचे होगा, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो बटक्स होगा, उसी को हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। साथ ही इसमें इंक्लूड रहेगा ड्यू टू मीकोनियम जो होता है वो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है। अधिकतर बेबी क्या होता है कि जब बेबी का डिलीवर हो जाता है, बेबी का एक्सपल्सन हो जाता है, उसके बाद बेबी मीकोनियम करता है, लेकिन जब पोस्ट लेबर की कंडीशन होती है तो उस समय क्या होता है कि मीकोनियम बेबी एक्सपल्सन होने से पहले ही यूट्रस में कर देता है। तो उस समय की सिचुएशन को हम बोलते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूड है वो मे बी ग्रीन कलर का हो। तो अगर एमनियोटिक फ्लूड ग्रीन कलर का दिख रहा है इसका मतलब है कि जो बेबी है उसने मीकोनियम कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूड रेड कलर का है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? जो रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूड है वो इंडिकेट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन लीकर एमनी, कॉजेज ऑफ आईयूडी,
मतलब इंट्रा यूटराइन डेथ मीन्स अगर एमनोटिक फ्लूड रेड कलर का है, अगर एमनोटिक फ्लूड रेड कलर का आ रहा है तो इंडिकेट करेगा कि जो फीटस है उसका इंट्रा यूटराइन डेथ हो चुकी है। जब भी एमनोटिक फ्लूड रेड कलर का आता है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी है, अभी हुई है, इसलिए जो एमनोटिक फ्लूड है वो रेड कलर का आता है। अगर वहीं पे जो एमनोटिक फ्लूड है वो रेड की जगह पे ब्राउन कलर का होता, अगर एमनोटिक फ्लूड ब्राउन कलर का होता तो ये इंडिकेट करता कि जो फीटस है उसका आईयूडी तो हुआ ही है, मतलब इंट्रा यूटराइन डेथ तो बेबी की हो ही गई है, लेकिन जो डेथ होने का टाइमिंग है वो लेट है। मतलब कि अगर रेड कलर का एमनोटिक फ्लूड आ रहा है तो इंडिकेट करेगा कि बेबी की डेथ यूट्रस में अभी हुई है, लेकिन अगर ब्राउन कलर का एमनोटिक फ्लूड हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिन या कुछ समय पहले जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी है। एबनॉर्मेलिटी में जो फर्स्ट हमारी एबनॉर्मेलिटी थी उसमें हमने देखा था पॉलीहाइड्रोमनास एंड जो सेकेंड एबनॉर्मेलिटी थी उसमें देखा था ओलिगोहाइड्रोमनास एंड थर्ड एबनॉर्मेलिटी थी येलो कलर लिकर एमनी एंड फोर्थ था ग्रीन कलर लिकर एमनी एंड फिफ्थ था रेड कलर लिकर एमनी एंड सिक्स था ब्राउन कलर लिकर एमनी। तो यहाँ पे जितनी भी एबनॉर्मलिटी हैं उनको हमने वन बाय वन देखा, साथ ही हमने इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा कि जो भी लिकर एमनी होती है उसके क्या फंक्शन होते हैं इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लिकर एमनी से रिलेटेड जो भी चैप्टर था कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।